हेलो एंड वेलकम टू कारोबार, मैं हूं सोहेल और मैं पायल और आज ऑटो एक्सपो का है सुपर संडे। यहां भीड़ है, शोर है, म्यूजिक है और साथ ही ढेर सारी शानदार कार का बाइक। और कारोबार में हमारा वादा है हम आपके संडे को बनाएंगे स्पेशल और आपको दिखाएंगे आज सुपर लग्जरी कार का बाइक। तो चलिए शुरू करते हैं कारोबार। रविवार यानी आम लोगों के लिए छुट्टी का दिन और छुट्टी पर फैमिली और दोस्तों के साथ घूमना किसे नहीं पसंद है। बुधवार को शुरू हुए 13वें ऑटो एक्सपो का आज पांचवा दिन है। 9 फरवरी तक चलने वाला ये कारों का मेला लगातार दर्शकों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। कारों के इस महाकुंभ में आज फिर जन सैलाब उमड़ पड़ा। अपनी फेवरेट गाड़ियों को देखने के लिए सुबह से ही टिकट काउंटरों पर भीड़ लग गई। युवाओं में कार्स और बाइक्स को देखने की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पहले के मुकाबले इस साल भीड़ कम है। ऑडी का शोरूम तो स्पेशलाइजेशन जो उनकी मस्टैंग है फोर्ड की, वो बहुत बड़ा आइकॉन है, मसल कार है अमेरिका की। प्रीटी नाइस कार, काफी अच्छा लॉन्च था। या ऑडी ऑफ कोर्स प्रीटी नाइस कार, देखने में अच्छा। लेकिन वीकेंड पर अधिक भीड़ पहुंचने की उम्मीद से प्रशासन और आयोजक खास इंतजाम कर रहे हैं। आयोजकों की माने तो आज यानी संडे को आने वालों की तादाद 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। पिछली शो में हमारे संडे को 1,22,000 के करीब फुटफॉल्स हुए थे और इस दफा जो पहला दिन हमने फर्स्ट हाफ देखा है उसके हिसाब से डेफिनेटली उससे ज्यादा फुटफॉल्स होने चाहिए। ऑटो एक्सपो के अंदर मर्सिडीज, जगुआर, ऑडी, होंडा, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू की स्टॉलों पर ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। दर्शकों में लग्जरी कारें और स्पोर्ट्स बाइक्स को देखने की दीवानगी ज्यादा देखी जा रही है। करोड़ों की आलिशान गाड़ियां देखकर कई लोग उसे अपनाने का सपना देखकर रह जा रहे हैं। लग्जरी ब्रांड्स हैव कम अप विद न्यू आइडियाज, स्पेशली मस्टैंग, ऑडी आर8, A3। आई लव ऑल दीस स्पोर्ट्स कार्स एंड आई एम इनटू दीस कार्स, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दीस कार्स नाउ। आम लोगों के साथ लगातार सेलिब्रिटीज का भी तांता लगा हुआ है। बॉलीवुड के सितारे ऑटो एक्सपो में रोज अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड फिल्मों में कार और बाइक उड़ाने वाले खिलाड़ी ना पहुंचते ये तो नामुमकिन था। अक्षय कुमार ने एक्सपो में पहुंचकर अपनी फेवरेट गाड़ियों का दीदार किया। सैयद सुहेल के साथ पायल भुयर, IBN 7। में आपने कार्स और बाइक्स को उड़ते हुए बहुत देखा होगा और ऑटो एक्सपो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया सर IBN 7 से बात करने के लिए। ऑटो एक्सपो में आप मौजूद है, क्या एक्सपेक्टेशन है ऑटो एक्सपो 2016 से? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि बाइक्स को उड़ाते हुए, बिल्कुल नहीं, आप उड़ाइएगा मत, क्योंकि वो जो बाइक्स उड़ाते हैं हम फिल्मों के अंदर, वो बहुत ध्यान से किया जाता है, उसको काम बहुत सेफ्टी के साथ किया जाता है, तो इस चीज को कभी मत कोशिश करिएगा। अब आपका प्रश्न क्या है? बिल्कुल, ऑटो एक्सपो 2016 में आप यहाँ पे आए हैं, क्या उम्मीदें, क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी आपको? वेल, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हमारी जो बाइक, नई बाइक है नवी, विच इज गोइंग टू बी द मेन अट्रैक्शन, और जो अफ्रीकन ट्विन है जो मेरी सबसे पहली बाइक थी जो जिंदगी में मैंने खरीदी थी, जब इधर आई भी नहीं थी तब मैंने खरीदी थी, तो दैट इज गोइंग टू बी द स्पेशल अट्रैक्शन। तो सुपर संडे में कारोबार में सुपरस्टार हमारे साथ हैं सर, अफ्रीकन ट्विन की आपने बात की, क्या खास है ऐसा जो आपको इतनी पसंद आई कि आपने पहले ही खरीद ली? अब मेरे पास अफ्रीकन ट्विन करीबन आज से करीबन मुझे 10-12 साल हो गए मेरे पास है ये बाइक, और मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत ही स्टडी बाइक है और बहुत ही स्मूथ बाइक है और हमारे इंडियन रोड्स के लिए बहुत सही है। सुहेल, आपने जो अक्षय कुमार से बात की उसमें वो क्या बता रहे हैं, नई ऑटो एक्सपो से क्या उम्मीद है उनकी? उन्होंने सबसे ज्यादा तारीफ की जो होंडा की नई गाड़ी है, दो नवी और अफ्रीका ट्विन की उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही वो ये कि आप जब भी गाड़ी चलाएं सेफ्टी का ख्याल रखें। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कारोबार में कि व्हेन यू ड्राइव डू टेक केयर। कैमरामैन जसविंदर के साथ पायल और सुहेल, IBN 7। लग्जरी सुपर लग्जरी कार्स की बात हो और इस 3 स्टार का जिक्र ना आए ऐसा नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ मर्सिडीज बेंज की। दुनिया भर में लग्जरी कार की जब भी बात होती है तो मर्सिडीज बेंज की बात जरूर होती है। ये 3 स्टार दुनिया भर में लग्जरी की पहचान है, लग्जरी का दूसरा नाम है मर्सिडीज बेंज।
और आप लोगों से हमने वादा किया था कि कारोबार में हम आपको ऐसी कार्स दिखाएंगे जिनको देखकर आपका दिल ललचा जाएगा, और पायल के पास आपके लिए ऐसी ही एक गाड़ी है। ये गाड़ी लॉन्च अनवील की है इंडिया में। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसका इंजन है 4.6 V8 पावरफुल इंजन, और जो यहाँ पे फीचर दिया गया है इसके हेडलैम्प में, हेडलैम्प को अगर आप दिखाएं तो यहाँ पे स्वारोस्की इन्वेल्ट यहाँ पे हेडलैम्प है, जो इंडिया प्रीमियर यहाँ पर हेडलैम्प है। ये एक सेलिंग पॉइंट है मर्सिडीज बेंज की, जो लोगों को खासा यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है। पर्ल व्हाइट कलर में इसको लॉन्च किया गया और इंटीरियर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मानो लग्जरी को दोबारा से रीडिफाइन कर रहा हो। डेजिग्नो के यहाँ पे इंटीरियर दिए गए हैं खासा तरीके से, हैंड स्टिच दिए इंटीरियर यहाँ पर है। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो डेजिग्नो यहाँ पे टैग भी दिया गया है, और साथ ही प्रोमेसर के ये स्पीकर हाई एंड स्पीकर देते हैं, होम थिएटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीछे के साइड इसके स्पीकर यहाँ पर दिए गए हैं, और गाड़ी को सिर्फ अनवील किया है। और अगर अंदर इसकी खासियत की बात यहाँ पर बताया जाए तो ये ओपन गाड़ी है जो बंद हो जाती है, सॉफ्ट प्रूफ कवर है, लेकिन ये जो इसकी विंडस्क्रीन है, ये इसमें खास बात इसमें ये है कि इससे पूरा आपको अपना नेविगेशन नजर आएगा। आप जहाँ जाना चाहते हैं अगर आप वो सेट करेंगे तो ये यहाँ पे नजर आना लगेगा, और किस जगह जाना है, कहाँ राइट टर्न लेना है, कहाँ लेफ्ट टर्न लेना है, बिना पलक झपकाए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आपको सब यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन ये फीचर अभी इंडिया के लिए नहीं है। और एक और खास बात जो इसके स्टीयरिंग में, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं अगर आप ड्राउजी हैं, आपको थोड़ी सी नींद आ रही है, आपको अपना स्टीयरिंग इस तरीके से पकड़ना है, और इसमें जो सेंसर्स है वो डिटेक्ट कर लेंगे कि आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, तो आपके जो सेंसर्स है, आपका जो नेविगेटर है, आपको नेक्स्ट उसमें ले जाएगा, नेक्स्ट कॉफी शॉप में ले जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी डिटेक्ट कर सकती है कि आपको कॉफी ब्रेक की जरूरत है। एक और खास बात जो इस गाड़ी में है वो है इसके इसका एयर स्टफ, यहाँ से जो हवा एक्यूमुलेट होती है गाड़ी के अंदर वो यहाँ से अंदर जाएगी, और यहाँ पे जो वेंट लगे हुए हैं इस वेंट से वो एयर स्टफ में पीछे से आपको ये हवा लगेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ड्राइविंग करते करते आपके जो गले का पीछे का एरिया होता है वो थोड़ा सा सूखने लगता है, और आपको ये एक फ्रेशनेस का एहसास जरूर करवाएगी। इसमें सॉफ्ट प्रूफ कवर है वो हम आपको करके दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें जो सीट बेल्ट है वो यहाँ पे का मेजर सिक्योरिटी फीचर है, क्योंकि जैसे ही आप बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट होती है ये सीट बेल्ट अपने आप आगे आएगा ताकि आप इस सीट बेल्ट को लगा लें। हालांकि कंपनी ने इसके प्राइस को रिवील नहीं किया है, इंडिया में कब आएगा ये भी नहीं पता। अब हम आपको इसका टॉप रूफ कवर दिखाते हैं किस तरीके से ये ऑपरेट करता है। यहाँ पे ये गाड़ी सिर्फ 4.8 सेकंड में ये पूरी की पूरी गाड़ी 100 तक की स्पीड यहाँ पर ले लेती है, और इसके टॉप स्पीड की बात की जाए तो 240 तक इसका टॉप स्पीड है। ये आप देख रहे कन्वर्टेबल ये गाड़ी है, पूरी की पूरी गाड़ी कवर हो जाती है इसमें, और उसके बाद आप यहाँ पर अंदर सिक्योर नजर आते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर से लेस ये गाड़ी है पूरी की पूरी। इस गाड़ी को लग्जरी सेगमेंट में हमारे तरफ से थम्स अप। वीडियो जर्नलिस्ट करम सिंह के साथ पायल भुयन, IBN 7, ग्रेटर नोएडा। हमने आपको वादा किया था कि कारोबार में आपको दिखाएंगे सुपर लग्जरी कार, और ऑटो एक्सपो की सबसे महंगी कार देखिए। चलिए तो अब आपको दिखाते हैं इस ऑटो एक्सपो की सबसे महंगी गाड़ी, मर्सिडीज मायबाख S600 गार्ड। ये सुपर लग्जरी कार है, हिंदुस्तान की इस ऑटो एक्सपो की सबसे महंगी गाड़ी। कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी कहने से पहले मैं आपको इसकी कीमत बता देता हूं, 12 से 15 करोड़ के बीच। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 12 से 15 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी की इतनी कीमत क्यों है। भाई सबसे पहले तो इसके ऊपर जो मर्सिडीज मायबाख का ठप्पा लगा हुआ है वो इसको बिल्कुल खास बनाता है। दूसरी चीज है कि ये दुनिया की सबसे सिक्योर कार्स में से एक है, कंप्लीटली बुलेट प्रूफ, कंप्लीटली बॉम्ब प्रूफ। मतलब अगर इस गाड़ी के आसपास, इस गाड़ी के नीचे बम भी फट जाए तो इसमें बैठी सवारियों को कुछ नहीं होगा। स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं
तो V12 इंजन है इसके अंदर करीबन 6000 सीसी का। जरूरी है इतना सीसी बहुत जरूरी है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि इस गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा है। हर दरवाजे का वजन करीब 250 किलो है, और वजन इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि कोई भी गोली, दुनिया की सबसे ताकतवर गोली भी इस गाड़ी को भेद नहीं सकती। गाड़ी के बॉडी पैनल्स तो छोड़िए, इसके शीशे तक को कोई गोली नहीं भेद सकती। दुनिया की सबसे ताकतवर गोली इस शीशे में आधा घुसेगी, उससे आगे नहीं घुस पाएगी, इतनी ताकत है। मर्सिडीज माइबाक का लोगो, वो इसको सुपर लग्जरी कार बनाता है। इसकी अपनी एक पहचान है, सारी दुनिया जानती है। ये गाड़ी आम लोगों के लिए नहीं है, ये गाड़ी आम लोगों के लिए नहीं होती है, ये गाड़ी है हेड ऑफ स्टेट के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकों के लिए, राजाओं के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास अथाह दौलत है। क्योंकि कीमत मैंने आपको बताई 12 से 15 करोड़ रुपए हमारे देश में, और अगर आपके पास पैसा है, आपको अपनी जान की फिक्र है और आप चाहते हैं एक हवाई जहाज जैसी कार, एक ऐसी कार जो सेफ भी हो, जो जिससे ज्यादा लग्जूरियस कुछ ना हो, तो शायद यही वो कार। अब एक अच्छा शानदार घर कितने का खरीद सकते हैं? 2 करोड़, 3 करोड़, चलिए बहुत बढ़िया पेंट हाउस खरीद लीजिए 5 करोड़। लेकिन अब जो कार हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी कीमत है 9 से 11 करोड़ के बीच में। जी हाँ, और कारोबार में हमने आपको वादा किया था वो गाड़ियां दिखाएंगे, वो लग्जरी गाड़ियां दिखाएंगे जो आम आदमी के लिए भी नहीं रखी गई हैं। ऑटो एक्सपो 2016 में देखिए ऑडी की 8L सिक्योरिटी, सोहेल जिसकी बात कर रहे थे 9 से 11 करोड़। सोहेल, कीमत इसकी 9 से 11 करोड़ के बीच है, अब आप जानना चाहेंगे भाई इसमें ऐसा क्या खास है। तो ये कार खूबियों से भरी हुई है, ये दुनिया की सबसे सिक्योर कार्स में से एक है। यानी अगर आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और आप टोटल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो दिस इज द कार फॉर यू। इस गाड़ी की बॉडी आप देख रहे हैं, इसमें केवलार और सिरेमिक्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसको कम्प्लीटली बुलेट प्रूफ बनाता है। इस गाड़ी के ग्लासेस बुलेट प्रूफ है और AK-47 की गोलियां भी इस गाड़ी को भेद नहीं सकती। दूसरी अहम चीज है इस गाड़ी के टायर्स, अगर आप टायर पे कोई गोली मार दे और टायर पंक्चर हो जाए, उसके बावजूद भी ये टायर्स 400 किलोमीटर तक चल सकते हैं। बिल्कुल, और सोहेल जो बात बता रहे थे कि अगर कोई गोली मार दे और उसको डिटेक्ट कैसे करेगी कार, आपको दिखाते हैं। 360 डिग्रीज इस कार में कैमरास लगे हुए हैं, यहाँ पे सेंसर्स फिट है और पूरी कार की निगरानी करेगा। यानी कि अगर कोई सामने से भी आपके पास कोई एमिनेशन लेके आ रहा है तो इस गाड़ी के अंदर ऐसे सायरन्स हैं जो बजना शुरू हो जाएंगे। 180 डेसिबल्स की वो सायरन है, वो इतने ज्यादा लाउड होंगे कि सामने से जो आदमी आ रहा होगा वो भी आपके नजदीक तक नहीं आ पाएगा। ये पूरी गाड़ी सिक्योरिटी फीचर्स से भरी हुई है, बहुत सारे अहम सिक्योरिटी फीचर्स हैं। एक सिक्योरिटी फीचर जो बहुत खास है वो ये है कि अगर कोई नर्व अटैक होता है, कोई गैस अटैक होता है, तो उसके बावजूद भी आप इस गाड़ी में पूरी तरह से सिक्योर हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 लोगों के लिए 10 मिनट तक पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद रहेगी। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अगर किसी ब्लास्ट की वजह से, गोली लगने की वजह से आपका दरवाजा जैम हो जाता है, ये दरवाजा 160 किलो का जो है, अगर ये जैम हो जाता है तो भी यहाँ पर एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है ऑडी की, जिससे आप इस पूरे दरवाजे को, छोटे छोटे बॉम्ब्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इस दरवाजे को आप उड़ा सकते हैं और सेफली इस कार से बाहर निकल सकते हैं। कार कितनी खूबसूरत है ये आपको बताएंगी पायल। बिल्कुल, और इस गाड़ी के अंदर एक और फीचर है कि इस गाड़ी में इंटरकॉम फिट है, यानी कि आप आपस में बात कर सकते हैं। इस गाड़ी में एक और सिस्टम जो यहाँ पे बहुत खास है, उसमें सिलेक्टिव डोर ओपनिंग की भी है कि अगर आपने सेंट्रल लॉक इस गाड़ी में कर रखा है तो आप सिलेक्टिव डोर्स को खोल के बाहर की तरफ आ सकते हैं। और जाहिर है अगर आप ये गाड़ी खरीद रहे होंगे तो आप इसमें आगे की सीट पर नहीं, पीछे की सीट पर बैठेंगे, और मैं आपको इसकी लग्जरी दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर आप घुसेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी महल में आ गए हैं। ये आपका सिंहासन है और इसके चारों तरफ आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स के साथ साथ आपके एंटरटेनमेंट के लिए LEDs मौजूद हैं। मतलब आप यहाँ पर आप अपना एक वर्चुअल ऑफिस चला पाते हैं, आप अपना पूरा कंपनी, अपना पूरा एम्पायर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरा सिंहासन है आपके लिए। और आखिर में
आप चाहेंगे कि गाड़ी सिक्योर रहे और आप चाहेंगे कि आप इस गाड़ी में बिल्कुल सिक्योर रहें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चले कि आप दरवाजे से निकल रहे हैं, तो एक छोटा सा स्विच आप दबाइए और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप इस गाड़ी में मौजूद हैं। तो ये है सबसे सिक्योर कार्स में से एक, दुनिया की सबसे सिक्योर कार्स में से एक, और जाहिर है इसमें बैठने के बाद आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन जसविंदर के साथ पायल और सुहेल आई बिन से।